हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही व्यस्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज दिन है सैटरडे, तारीख है 17 जून। तो सैटरडे के दिन मैं ज़्यादातर अपनी घर की थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ, जैसे कि जाले साफ़ करना है, जो करना चाहिए वीकली वही सब करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की सफाई। सफाई करने के बाद फिर मैंने अपने मंदिर की, नहाने धोने के बाद फिर मैंने पूजा वगैरह कर ली है। बताइए मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, उसका ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया। उसके बाद ये टाइम हो रहा था करीब 11 बजे का, तो कुछ रिटायर्ड कपड़े मेरे पास रखे हुए थे, तो मन में आया कि टाइम पास भी होगा और कुछ चीज़ भी बन जाएगी, तो फिर बस उसी को मैं कट करके कुछ ना कुछ बनाने की सोच रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मार्केट से सब्जी लाने के लिए, कुछ थैले टाइप के जो बनते हैं ना अपने घर में कपड़े के जो बना लेते हैं, तो ये मैंने बना चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, आराम से वॉश हो जाते हैं, और मार्केट से लाओ सब्जी तो खूब सारा सामान इसमें आ जाता है। तो बस मैंने यही 2 थैले बना लिए थे, तो टाइम भी अच्छे से पास हो गया था। उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी। देखिए 2 थैले बन गए मेरे। लंच में मैं बना रही थी, आलू बॉईल किए थे उसमें बना रही थी मैं, आलू और प्याज डाल के भुरता, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस आलू बॉईल करके मैंने ये देसी घी में बनाया है। देसी घी में थोड़े से आलू और एक मीडियम साइज़ का प्याज वगैरह डाल के भुरता बना लिया था। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, ये शाम की क्लिप है। तो शाम को बनाई थी मैंने दाल मखनी और तंदूरी रोटी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है तंदूरी रोटी और दाल मखनी। तो बस यही सब मेरा पूरा दिन रहा, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैं डिनर वगैरह करने के बाद, और फिर मैं ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया आगे का, बेटे को खाना वगैरह देने के बाद मैंने खुद भी खा लिया। फिर ये नेक्स्ट डे है संडे, सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी स्किन की केयर भी कर रही हूँ, घर की तो केयर करते ही रहते हैं, तो अपनी भी, अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपने भी लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं अपने फेस की थोड़ी सी मसाज कर रही हूँ, दही में बेसन और नींबू डाल के। इस तरह से वीक में 2 बार अगर कर लेते हैं तो हमारी स्किन पर ग्लो भी रहता है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है स्किन। दही है ये, दही से बहुत ही अच्छा क्लींजिंग होता है, और नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही मौजूद होती हैं, इनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं मार्केट के प्रोडक्ट तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। बस इसी तरह से नहाने से पहले मैं पूरे हाथ पैरों में, हाथों में, गर्दन पे, सब जगह अच्छे से मसाज कर लूँगी, जिससे कि मुझे, मेरी स्किन बहुत अच्छी रहती है और स्किन पे ग्लो भी रहता है। तो इस तरह से देखिए मैं बहुत हल्के हाथों से कर रही हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है। तो बस थोड़ी थोड़ी मसाज करने के बाद फिर मैं अच्छे से इसको 5 से 6 मिनट तक ये मसाज में देती हूँ, इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा रहता है। बस यहाँ पर ये सब करने के बाद मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह करूँगी, वही सब डेली का रूटीन। देखिए यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ मसाज और फेस वॉश कर चुकी हूँ, अब मैं जाती हूँ नहाने। नहाने के बाद फिर मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी, वीडियो शूट नहीं किया। यहाँ पे मैं लड्डू को भोग लगा रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स और इलायची दाना का, दूध भी रख दिया है। उसके बाद फिर मैं अपना भी देखूँगी किचन में, मुझे मैंने बनाए थे काले चने, और जो भोग लगाया था ना लड्डू को, वही दूध मैं लेके आई हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो बस मेरी यहाँ पे चाय बन जाएगी, और मैंने आज बनाए थे नाश्ते में काले चने, तो चाय पत्ती डाल दूंगी, चीनी में बाद में सबसे लास्ट में डालती हूँ हल्की सी। और ये काले चने हैं, तो फिर मैंने लड्डू को काले चने का भोग नहीं लगाया था, तो वो भी लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले तोनी के लिए निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मंदिर में भोग लगा दूंगी उनको, अपने लड्डू को। ये सब करके मन को बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। तो बस भोग लगाने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता भी करूँगी। सारा काम मेरा, सुबह के मेरे सारे काम ही हो चुके थे, बस अब मुझे नाश्ता अपना करने के बाद बेटे के लिए कुछ और बनाना होगा, वो काले चने खाएगा नहीं। तो यहाँ पे लड्डू को भोग लगाने के बाद वही चने मैं सारे चनों में मिक्स कर दूंगी,
तो यहाँ पे मैं अपना भी ब्रेकफास्ट ले आई हूँ, चाय। और जो स्प्राउट्स मेरे पास बने हुए रखे थे, मेथी दाना और मूंग, मेथी भी अंकुरित हो गई थी और चने भी थे, तो हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। आइए आप भी कर लीजिए। तो ये मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं कोई ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो मिलूँगी आपसे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैंने अभी अभी शुरू किया है चैनल, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।